तमाम देखने वाले व्यूवर्स को बहुत बहुत सलाम और दुआ कि जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें और सेहतमंद रहें, आमीन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शान की रेसिपी, जो चिकन जलफ्रेजी है, और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। और यहाँ पर मैं सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन तकरीबन एक पाव के करीब, और इसको मैंने छोटी बोटियों में इस तरह से इसको काट लिया है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको काट दिया। अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ एक चाय का चम्मच के करीब, ये मैंने लहसुन और अदरक दिया है, एक चाय का चम्मच इसमें ये डाल दिया। अब मैं ये शान का जो चिकन जलफ्रेजी मसाला है ये इस्तेमाल करूँगी, ये भर के मैं डालूँगी। ये खाना खाने के चम्मच हैं, ये एक, दो और ये हाफ, ये मैंने डाल दिया है। और इसको अब मैं रखूँगी मैरिनेट करने के लिए। तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना है ताकि इसमें मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मैंने ये जो मसाला है इसके अंदर डाल दिया था, और हाफ़ कप के करीब अब मैं इसके अंदर ये पानी शामिल कर दूँगी, और आधे घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट कर दूँगी। ये जब तक मैरिनेट हो रहा है, आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। स्टेप जो है, इसमें मैंने तीन लार्ज साइज़ के टमाटर लिए हैं। इन टमाटरों को कट करना है और ब्लेंड कर लेना है, ब्लेंड करके इनकी प्योरी बनानी है और फिर पकाना है। तो इनको मैं कट कर लूँगी, लार्ज टमाटरों को काट लिया और अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। यहाँ पे बड़े टमाटरों की जो तीन बड़े टमाटर मैंने आपके सामने दिखाए थे उसकी उसको ब्लेंड कर लिया है मैंने। थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़ी थी तो यहाँ पर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया और पकाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन दो चम्मच मैंने इसमें खाने के मैंने इसमें तेल डाल दिया है, और अब मैंने जो प्यूरी मैंने बना के रखी थी वो इसके अंदर मैं डालूंगी और उसको पकाऊंगी। वो मैंने इसके अंदर डाल दिए और इसको इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये टमाटर जो है वो पक जाए, इसकी प्यूरी जो है वो गाढ़ी हो जाए। अब इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी तकरीबन एक चाय का चम्मच, और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी, इसके अंदर अब मैं डालूँगी चिली सॉस तकरीबन दो चम्मच, ये एक और ये दो चम्मच मैंने चिली सॉस की डाल दी है, और इसको अब पकने के लिए छोड़ देना है। जो टमाटर हैं इनको पकना था, तो अब ये पकना स्टार्ट हो चुके हैं। ये ग्रेवी थोड़ी सी और गाढ़ी होगी, अभी ये पक रही है तो यहाँ आपको सब टमाटर जो हैं वो अलग अलग नज़र आ रहे होंगे, फिर वो एक साथ हो जाएंगे। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन में अब चीज़ें जो है वो फ्राई करने स्टार्ट हो जाती हैं। करूँगी मैं चिकन जलफ्रेजी में तीन सब्जियाँ डाली जाती हैं, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज है। आप इसमें गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद गोभी का। यहाँ पे मैं तीन चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज। अब इसको मैंने करना है फ्राई। ज़्यादा इसके अंदर तेल डाला नहीं जाता है, इसमें मैं एक चम्मच के करीब इसमें ऑयल डाल रही हूँ, और इसको हल्का सा हीट अप करेंगे। हीट करने के बाद इसमें मैं गाजर डाल के थोड़ा सा स्टफ फ्राई कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है, और इसी तरह सारी सब्जियों को फ्राई करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ये गाजर जो है फ्राई हो चुकी है, क्योंकि गाजर थोड़ा टाइम लेती है इसलिए मैंने सबसे पहले डाला था। अब मैं इसके अंदर एक कप के करीब शिमला मिर्च डालूँगी, एक कप गाजर की, एक कप ही शिमला मिर्च है। अब इसको भी स्टफ फ्राई करना है हल्का सा, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। और एक ही कप मैंने इस तरह से शिमला प्याज को इस तरह से क्यूब की शक्ल में मैंने काट दिया। तीनों चीज़ें क्यूब की शक्ल में कट ली हैं, शिमला मिर्च, गाजर और प्याज, और इसको अब तेज हीट से फ्राई कर लेना है। इनको सब फ्राई कर दिया है और उसमें से बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। बस बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्का हल्का कर लेना है इसको फ्राई। इसको प्लेट में निकाल लूँगा, वो मैंने स्टफ फ्राई कर लिया था, और अब मैंने इसको प्लेट में निकाल के अलग रखूँगी। और अब मैं इस फ्राई पैन में दो चम्मच और तेल डालूँगी, और दो से एक चम्मच मैंने तेल डाल देना है। इसमें एक चम्मच डाल दिया और ये मैंने दो चम्मच डाल दिए। तो यहाँ पे मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, अब मैं इसके अंदर वो मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है वो डाल दूँगी, और इसको मैं पका दूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने जो ऑयल का इस्तेमाल है वो ज़रा कम किया है, इसमें होता भी इस्तेमाल थोड़ा कम ही है। यहाँ पे मैंने चिकन और जो सब्जियाँ थी वेजिटेबल्स थी उनको फ्राई करने के लिए एक चम्मच डाला था,
और प्योरी में 2 चम्मच डाले थे और चिकन में मैंने 2 चम्मच डाले, तो टोटल ये 5 चम्मच इसके अंदर जाएंगे। और इस चिकन जलफ्रेजी में यहाँ पे ये इसको फ्राई कर लेना है, इतना पकाना है कि चिकन अच्छे से गल जाए। यहाँ पे जो चिकन मैंने पकाने के रखी थी ये गल के तैयार हो चुकी है। अब मैंने जो स्टफ फ्राई जो सब्जियाँ की थी वो इसी के अंदर डाल दूँगी मैं और हल्का सा इसको भी पका लूँगी। टमाटर और प्यूरी जो मैंने पकाने के लिए रखी थी वो अभी पक रही है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये जो प्योरी है ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, इसका पानी खुश्क हो गया। अब जो मैंने सब्जियां और चिकन को पका लिया था अब मैं इसके अंदर ये डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये सब्जियाँ चिकन और ये टमाटर प्यूरी एक साथ कर दी है। अब मैं इसके अंदर या तो आपके पास यखनी हो 2 से 3 गिलास या फिर पानी, मैं यहाँ पे पानी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो यखनी भी यूज़ कर सकते हैं, उससे टेस्ट जो है डेवलप होगा। यहाँ पे 2 गिलास के करीब मैंने वो डाल दिया है और 1/2 गिलास जो मैंने इसमें डाल दिया था कम है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मसाला था, वही मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, ये सब और अब मैं इसको बॉइलिंग पॉइंट पर ले आऊँगी। जब ये बॉईल होने लगेगा इसमें से बबल्स आने लगेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे ना ये बॉईल होना शुरू हो गया है और अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालूँगी। कॉर्नफ्लोर में तकरीबन ये 1 थोड़े से पानी में मैं डाल रही हूँ, 2, 3 और 4 ये 4 चम्मच के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डाल दिया है। और आप अगर इससे ज़्यादा गाढ़ा चाहते हैं तो इसको मज़ीद गाढ़ा करने के लिए 1 से 2 चम्मच और डाल सकते हैं। मुझे लगेगा कि कम है तो मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी, अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ये इनफ लग रहा है। तो अब मैं इसके अंदर ये थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। ये देखें थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ये जहाँ से मुझे थोड़ा सी इसमें कमी महसूस हो रही है, तो मैं और 1 चम्मच के करीब मैं कॉर्नफ्लोर मिक्स कर रही हूँ, इसमें ये मैंने डाल दिया है, थोड़े से पानी में मैंने मिक्स किया है और अब मैं इसको पका लूँगी। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो इसकी जो गाढ़ापन है वो आ चुका है। इसको हल्का सा मैं इसको पकाऊंगी और उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सा चिकन जलफ्रेजी विद बॉइल्ड राइस के साथ तैयार है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और स्मार्ट किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं इसी तरह मुझे आप यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।